अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन सूप। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको दो टाइप के सूप बनाना बताऊंगी। यहाँ पर मैंने दूसरी क्लिप दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से बनाएंगे इसे और देख लेते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर 100 ग्राम मैंने लिया है चिकन पीस, जिसमें बोनलेस और बोन बोन पीस दोनों ही टाइप का लिया है। और कुछ मैंने लिया है यहाँ पर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है 2 क्लोव गार्लिक, एक मीडियम साइज अनियन, कुछ कैबेज और एक मीडियम साइज लिया है मैंने कैरेट, और साल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। तो अब हम मैंने लिया है यहाँ पर एक कुकर, और हम इन सभी को उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून साल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और डाल देंगे हम इसमें पानी, और कुछ डाल देंगे हम यहाँ पर कॉर्न, और लीड लगा देंगे और इसमें सीटी लगाकर इसको बॉईल कर लेंगे, गला लेंगे इन सबको। अब चिकन और वेजिटेबल्स को हमने अलग अलग निकाल लिया है, तो अब मैं इसको श्रेड कर लूँगी, इसके रेशे अलग कर लूँगी इसमें से। अभी चिकन को यहाँ पर हमने श्रेड कर लिया है, और अभी कढ़ाई में मैंने रखा है थोड़ा तेल गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर कुछ कैबेज और कैरेट मैंने यहाँ पर फाइन चॉप कर लिया है, इसको डाल देंगे हम इसमें और हल्का सा सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें इसको। और अब जो हमने चिकन श्रेड किया था हम उसको भी इसमें डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे उसे भी। हमने जो इसमें कॉर्न डाले थे उसमें से कुछ मैंने वेजिटेबल्स के साथ पीस लिए हैं और कुछ मैंने अलग से साबुत रख लिए हैं, उनको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अभी जो हमने चिकन स्टॉक साइड में बचा के रखा है उसको ऐड कर देंगे हम इसमें, और इसको पका लेंगे अच्छे से, बॉईल आने देंगे। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, उसको थोड़े पानी में इसका मैं घोल तैयार कर लूँगी विदाउट लम्ब्स। अब यहाँ पर वो जो वेजिटेबल्स और कॉर्न थे उनको मैंने पीस लिया है, और अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको वो टिप्स बताऊंगी जो मैंने आपको दो क्लिप्स दिखाई थी। फर्स्ट क्लिप जो मैंने आपको दिखाई थी वो इस तरीके से आप बनाएंगे, और सेकंड क्लिप में आपको ये पीसना नहीं है, जस्ट आपको मैश करना है, बस आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट सूप बनकर तैयार होगा। अब हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर जो कि इसको थिक करेगा और इसमें एक क्रीमी सा टेक्सचर देगा। अभी सूप बनकर यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें इसके लिए चाहिए, देख सकते हैं आप। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।